एक तरफ सांवले कृष्ण, एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद और चकोरी। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों और किसने रखा, जाने इसके पीछे की कहानी। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव की हालचाल का जायजा लिया। अब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव में एक बालक का जन्म हुआ है, नामकरण के लिए जाता हूँ, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा सो मिलने आ गया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी दो बालकों का जन्म हुआ है, उनका भी नामकरण कर दें। गर्गाचार्य ने मना किया और कहा कि तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है, कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर दीजिएगा, हम न किसी को बताएंगे न किसी से कहेंगे। गर्गाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं तो उनका गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे लल्ला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित हमारी सच्चाई जान पाते हैं या नहीं। माताएं परीक्षा पर उतर आईं, बच्चे बदल गौशाले में पहुंच गईं। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये तो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक का नाम रोहिणे होगा, अपने गुणों से सबको यह आनंदित करेगा, तो एक का नाम राम होगा और बल में इसके समान कोई ना होगा, तो एक नाम बल भी होगा, मगर इससे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम तो बलराम ही होगा। यह किसी में कोई भेद न करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो एक नाम संकर्षण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तियों में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए, खुली आँखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य न बोलते थे न हिलते थे, न जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो, क्या यह भूल गए। यह सुन गर्गाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद बाबा तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आँख दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य की, यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आँखों ही आँखों में गर्गाचार्य को धमकाया है, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछ कर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ, अगर आपने भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा, यह मैंने आपको समझा दिया है। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए, जैसे ही दोबारा बोले ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ नहीं तो जुबान यहीं रुक जाएगी और अंगुली उठी की उठी रह जाएगी, यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था, पास बैठे नंद यशोदा को कुछ ना पता चला। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे का नाम, इसके तो अनेक नाम होंगे, जैसे कर्म करता चला जाएगा वैसे वैसे इसके नाम होते जाएंगे, लेकिन इसने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा।
इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने भी चक्कर खाया, कोई आसान सा नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना जो चाहो कहकर बुला लेना। यह सुनकर मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कान्हा कहकर बुलाती रही। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियों, कथाओं, मंत्रों का श्रवण करने के लिए, इन्हें जानने सुनने और समझने के लिए, इनके महत्व को जानने और समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें।